बहरहाल फोकस डॉक्टर लाल पैथ लैब्स पर आपको याद होगा नंबर्स जो हम फ्राइडे को मेंशन कर रहे थे बहुत ही बढ़िया तिमाही थी और स्टॉक में उस तरह का रिएक्शन भी देखने को मिला है 7% का इजाफा मुनाफा 49% दरअसल कंपनी का बढ़ा है आय में 11% की बढ़त देखने को मिली है मार्जिन में लगभग 3% तक का सुधार यानी कि 300 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट मार्जिन कर पाए हैं हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO वैद पी गोयल जुड़ गए हैं गोयल साहब स्वागत है आपका एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर मुझे सबसे पहले तो बता सकें कि पर पेशेंट रियलाइजेशन में कितनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और यहाँ पर क्या ये जो मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आई है वो सस्टेनेबल है या सो हमारा पर पेशेंट रेवेन्यू अभी 833 रुपए हो गया है जो कि पिछली बारी 806 रुपए था तो ये उसका एक रीजन ये है कि हमारा स्वस्थ फिट देखेंगे अर्षदा जी इस बारी हाईएस्ट है 24% का कंट्रीब्यूशन आया इस तिमाही में जो कि हाईएस्ट है पूरे साल के बेसिस पे देखेंगे तब भी ये 22% हो गया पूरे साल के लिए तो एक तो ये रीजन रहा है इसका और ये मुझे लगता है सस्टेनेबल है जैसे कि जो ट्रेंड देख रहे हैं और जो कस्टमर का बिहेवियर है डॉक्टर्स का भी रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है वो भी मुझे लगता है ज़्यादा लोग अब पैकेजेस बंडल पैकेज जो होते हैं उनको ऑप्ट करते हैं तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी इसमें और तेजी ये जो आपने स्वास्थ्य फिट मेंशन किया 22% से सेल्स बढ़कर 24% कंट्रीब्यूट कर रही हैं ये FY25 में क्या कोई गाइडेंस आप दे पाएंगे कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी ट्रेंड आप क्या पढ़ रहे हैं सी गाइडेंस देना तो थोड़ा मुश्किल है नंबर बताना लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है मुझे लगता है जिस तरह से ये जो पैकेजेस सेलेक्ट करते हैं कस्टमर भी प्रेफर करते हैं तो मुझे लगता है मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये कंट्रीब्यूशन और भी यहाँ से और बढ़ जाए 24% से भी ज़्यादा ऊपर बढ़ सकता है ओके मैं समझ रहा हूँ आपकी बात मतलब कुल मिला के जैन साहब आप ये बोलना चाहते हैं मतलब कि जो टेस्ट पर क्लाइंट होता है वो एग्जैक्टली गोयल साहब माफ कीजिएगा टेस्ट पर क्लाइंट जो मेरे ख्याल से कोविड से पहले काफ़ी कम परसिस्ट करता था वो बढ़ रहा है और बीते अगर मुझे 3 क्वार्टर्स में सर टेस्ट पर क्लाइंट की अगर आप ट्रेजेक्ट्री बताएं वो कैसे सुधरी है और कितनी बढ़ी है जी हमारा टेस्ट पर पेशेंट अभी 2.91 है इस क्वार्टर में और अगर हम बात करें पिछले 2 क्वार्टर से तो ये करीब करीब 4 से 5% की वृद्धि है इसमें तो ये हमारा जो पिछले साल था 4.7 से अभी हमारा पास 4.91 हो गया है ओके अच्छा सर अब बात करते हैं जब इंडस्ट्री में प्राइस वॉर छिड़ी होती है उस वक्त बहुत सारे अगर आप देखें टेकओवर कैंडिडेट्स भी बनते हैं मैं देख रहा हूं जो आपका कैश ऑन बुक्स है वो 830 करोड़ का 830 करोड़ बस वर्सेस 665 इस साल कोई एक्विजिशन के चांसेस हैं और दूसरी बात साउथ इंडिया में जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके से रहेगा इस फिस्कल में जी तो हमारा ये बैलेंस अप्रोच है जो हमारा कैश है अभी भी हमारा पास 877 करोड़ रुपया नेट में बैलेंस है और हमारी ये स्ट्रेटजी रही है कि हम इस कैश को मोस्टली यूज करेंगे मने के लिए और हम सब जानते हैं कि साउथ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अभी बहुत कम है 6-7% की रेवेन्यू हमारी साउथ से आती है तो वो एक एरिया डेफिनेटली हम उस साउथ में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों ही हमारे इंजन ऑन है ऐसा भी नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक के लिए ही बैठे हुए हैं तो ऑर्गेनिकली भी हमारा सिलेक्टिव जो सिटीज हैं उसमें काफ़ी एक्सपेंशंस हैं आप देखिए बेंगलुरु या हैदराबाद या कोचीन कुछ जो एरियाज हैं फोकस सिटीज हैं वहाँ पे हम काफ़ी एग्रेसिवली ऑर्गेनिक भी एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना प्लस ऑब्वियसली अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है साउथ में तो डेफिनेटली हम ओपन है उसके लिए
मैं आपके कॉन कॉल के हाइलाइट्स देख रही हूँ और यहाँ पर आपने कहा है कि लार्जली इंडस्ट्री में जो कंपटीशन का पीक था वो थोड़ा सा कम होगा. ये फिर आपके लिए क्या एडवांटेजेस लेकर आएगा? इसका मतलब क्या ये है कि आप लोगों को ज़्यादा प्राइस कट्स नहीं लेने पड़ेंगे, जो बीच में हमने देखा था कई सारे प्लेयर्स की तरफ से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था, डिस्काउंटेड टेस्ट जो हो रहे थे? देखिए, हमने प्राइस कट तो कभी मतलब लिया नहीं, प्राइस इंक्रीज रादर हमने नहीं लिया. प्राइस हमने लास्ट ईयर एक इंक्रीज लिया था, बट हमारा जो आने वाले समय में हमारा बिल्कुल क्लियर फोकस वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे ही है, तो मुझे नहीं लगता प्राइस इंक्रीज की हमें और जरूरत है. कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हुआ है. जो पहले इरेशनल टाइप ऑफ डिस्काउंटिंग हम देखते थे या प्रमोशनल एक्टिविटीज देखते थे, वो अभी 2-3-4 quarters से हमें इतना नहीं दिख रही है. हैविंग सेड दैट, कंपटीशन अभी भी है, कंपटीशन हमेशा से था, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज है. अगर कोई ऑर्गेनाइज इसमें स्पेस में ऑर्गेनाइज प्लेयर आते हैं तो बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री का है. लेकिन जो इरेशनल डिस्काउंटिंग या जो प्राइजिंग थी वो मुझे लगता है कम हो गई है. बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, एंड गुड लक फॉर FY25. एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर और ऑफकोर्स प्राइसिंग भी इनकी काफ़ी इंप्रूव होती हुई, प्राइस पर पेशेंट रियलाइजेशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और वही ड्राइव कर रहा है उन नंबर्स को. स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज गिरते बाजार में 6-7% तक की तेजी दिख रही है.